तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपके लिए कमाल की ट्रिक लेकर के आया हूं, लेकिन पहले आपको सिचुएशन बता दूं कब आपके काम आने वाली है। मान लो आप किसी ऐसी लोकेशन पे हो जो आप लोगों को नहीं बताना चाहते। लोगों से मेरा मतलब आपका कोई फ्रेंड है, आपके घर वाले हैं या फिर आपके रिश्तेदार हैं, वो आपसे पूछ रहे हैं कि अभी तू कहाँ है, और आपसे कई बार कहते हैं कि अपनी करंट लोकेशन या फिर अपनी लाइव लोकेशन मुझे भेज दे ताकि मैं देख सकूँ कि तू एक्चुअली उस जगह पे है भी या नहीं है। तो ऐसे में आप उनका पागल कैसे बनाओगे? तो यही मैं आज आप इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप कैसे फेक लोकेशन क्रिएट कर सकते हो, वो भी लाइव लोकेशन। आप जब चाहो जहाँ चाहो वहाँ अपनी लोकेशन दिखा सकते हो, इवन आप मूव भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि वो लोकेशन एक जगह पे रुकी रहेगी, आप मूव भी कर सकते हो। तो सुनने में इंटरेस्टिंग लगता है, कैसे आपको करना है चलिए देख लेते हैं वीडियो में। लेकिन उससे पहले बताना चाहूंगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो फेक लोकेशन बनाने के लिए आपको सिंपली एक एप्लीकेशन चाहिए जिसका नाम है फेक लोकेशन GPS। आप ये देख सकते हो स्क्रीन पे। तो अगर आप चाहते हो कोई और एप्लीकेशन यूज करना, बिल्कुल आप कर सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मैं इसको इसलिए यूज करता हूं क्योंकि मैंने पहले इसको यूज किया हुआ है। सिंपली एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा। दरअसल कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस दिखेगा। आपको नीचे की तरफ जाना है, यहाँ आपको जाना है सेट लोकेशन पे, एंड देन क्लिक हेयर टू ओपन मैप। मैप ओपन कर लेना है, यहाँ पे जाना है सर्च बॉक्स में, और जो भी लोकेशन आपको सेट करनी है आपको वो लोकेशन सर्च कर लेनी है। फिलहाल मैं न्यू दिल्ली करने वाला हूँ, तो न्यू दिल्ली की लोकेशन यहाँ पे आ गई है। न्यू दिल्ली को मैंने सेट कर लिया, और इसके बाद में मैं स्टार्ट पे क्लिक करूँगा। फिर ये आपसे ओवरड्रॉ परमिशन के लिए रिक्वायर करेगा, तो आपको इसको परमिशन दे देनी है। तो ये हमने यहाँ पे इसको परमिशन दे दी। चलते हैं बैक, और अब फिर से स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो अब ये मॉक लोकेशन रिक्वायर करेगा। मॉक लोकेशन आपको मिलेगा आपके फ़ोन के डेवलपर ऑप्शन में। तो अगर आपका डेवलपर ऑप्शन इनेबल नहीं है तो आप अपने फ़ोन पे पहले डेवलपर ऑप्शन इनेबल करना, उसके बाद ये ट्रिक आपकी काम करेगी। एंड देन इसके बाद में हमें नीचे की तरफ स्क्रॉल करके ढूंढना है, यहाँ पे कहीं मॉक लोकेशन का एक ऑप्शन आता है। तो ये सिलेक्ट मॉक लोकेशन ऐप आपको दिख गया। यहाँ पे आपको अपनी वही एप्लीकेशन जो डाउनलोड की थी उसको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है, एंड देन आपको वापस आना है और फिर से आपको क्लिक करना। कुछ एड्स वगैरह आपको ये दिखा सकता है, तो सिंपली आपको स्किप कर देना है। स्किप करने के बाद में आपकी लोकेशन सेट हो चुकी है, और इसके बाद में आपको जाना है सिंपली चेक करने के लिए अपने मैप्स में। और यहाँ मैप्स में जा करके हम रिफ्रेश करेंगे लोकेशन। तो अभी आप देख सकते हो भाई मेरी लोकेशन, ये मैं आपको जूम आउट करके दिखाता हूँ कि इस समय मैं कहाँ पे हूँ। तो आप देख सकते हो अभी मेरी लोकेशन न्यू दिल्ली दिखा रहा है, जबकि मैं न्यू दिल्ली नहीं रहता हूँ। ये आप देख सकते हो मेरा होम वाला सिंबल, यहाँ पे मेरे घर की लोकेशन है, इस पे मैं रहता हूँ। और इसके अलावा एक और चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा, आप लाइव लोकेशन दिखाना चाहते हो तो उसके लिए भी आप कर सकते हो। ये आपको साइड में जॉयस्टिक दिखेगी, तो इसकी मदद से आप इसको आगे पीछे भी बढ़ा सकते हो। मैं थोड़ा सा आपको और जूम करके दिखाता हूँ ताकि आपको पता चले कि मेरी लोकेशन चेंज हो रही है। तो ये आप देख सकते हो जिस तरफ मैं चाहता हूँ मेरी लोकेशन उस तरफ बढ़ सकती है। तो आप इसमें अपनी स्पीड लिमिट वगैरह यहाँ से सेट कर सकते हो। ये आपको नॉर्मल वॉकिंग स्पीड रखनी है, थोड़ा सा तेज़ रखना है, या बहुत तेज़ दौड़ने वाली स्पीड रखनी है। इसके अलावा आप लोकेशन चेंज करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। तो दुनिया भर के ऑप्शंस आपको इस पे मिल जाते हैं, आप सिंपली आप इनको इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोस्तों बस यही था आज के इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा और आप सीख गए होंगे कि कैसे आपको फेक लोकेशन क्रिएट करनी है। तो भाई कोई गलत इस्तेमाल मत करना, मैंने आप लोगों को बताया, क्योंकि आप लोग को शायद जरूरत पड़ सकती है कई बार अच्छी चीज़ों के लिए भी, तो वही इसका इस्तेमाल करना मैं ऐसा चाहूँगा। बाकी आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना। कोई सवाल सुझाव सजेशन कुछ भी है तो भाई कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, वहाँ लिख सकते हो। मुझसे कोई बात वगैरह करना चाहते हो तो मुझे फॉलो कर सकते हो मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करना ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आपको इसी तरह से रेगुलरली मिलते रहे। मैं आपसे मिलता हूं आने वाले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।